मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आपको इंग्लिश विषय में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। हैं, पिछली बार आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट बताया था, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, उस टेंस को बनाने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, मैन वर्ब में क्या यूज किया जाता है, ये सब चीज़ बताते समय बताने के लिए हमने आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चुना है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द लिखे होते हैं। माने प्रत्येक वाक्य के सेंटेंस अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस अगर लिखे हुए हैं तो वे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बोले जाते हैं। बेटा, इनमें इनको हम हल करते समय, हर टेंस को हल करते समय हमें क्या करना पड़ता है, हर वाक्य का सब्जेक्ट एक लिखना पड़ेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब एक लिखनी पड़ती है, मैन वर्ब की किस फॉर्म में, माने फर्स्ट फॉर्म में मैन वर्ब यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म में यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म में यूज है, अथवा पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी यूज की जा रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये कहता है कि प्रत्येक वाक्य रहा है, रही है, रहे के अलावा यदि वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, एक वचन करता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन करता के साथ हम हमेशा किस तरह की सहायक क्रिया का यूज करते हैं, इज सहायक क्रिया का यूज करते हैं। और इसमें तीन तरह की सहायक क्रियाओं का यूज किया जाता है, इज, एम और आर। तो एक वचन कर्ता जितने भी होते हैं उन सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया के तौर पे इज का प्रयोग करते हैं, और एक अलग से कर्ता है जिसको हम एम अर्थात आई, मैं बोलते हैं, तो आई कर्ता के साथ अथवा मैं कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया एम का यूज करते हैं। फिर बात रह जाती है बहुवचनकर्ताओं की, तो जितने भी वाक्य हैं उन जिन वाक्यों का कर्ता बहुवचन होता है उन सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें सहायक क्रिया इज एम आर में से किसी को यूज करना। उसके बाद मैन वर्ब का क्या करना है, तो इस टेंस में चूंकि वाक्य के पीछे रहा है, इसका मतलब है कि वाक्य जो कर्ता द्वारा काम किया जा रहा है वाक्य में वो काम लगातार जारी है, अर्थात उसने अभी तक न वो काम खत्म नहीं कर पाया। तो जब काम को खत्म नहीं कर पाया तो जब कोई चीज कंटिन्यू जारी रहती है तो उसमें हम फॉर्म आईएनजी का यूज करके रहा है और रही है या रहे है कि अंग्रेजी दे देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैन वर्ब प्रत्येक वाक्य की मुख्य क्रिया में आईएनजी के तौर पर जोड़ी जाती है। फिर देखो इसी तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या, सबसे पहले हमें वाक्य का सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर हमें मैन वर्ब में आईएनजी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तब जाके हमारा पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट हो पाता है। अब देखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम तीनों वचनों के एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक वचनकर्ता का एक वाक्य है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही। सबसे पहले कहा कि सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इज के बाद मैन वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, आई एन जी, तो पढ़ रहा है, अर्थात पहचान हमारी रहा है मिली, उसके साथ जो शब्द जुड़ा है वो मुख्य काम कर रहा है, तो उसकी रीड में आई एन जी का प्रयोग करेंगे। अब क्या पढ़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो द बुक, तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसका वास्तविक पूरा सेंटेंस हुआ ही इज रीडिंग द बुक। ये तो एक वचन करता का वाक्य। उसके बाद मैं करता है, तो इसने कहा है कि मैं एक गीत गा रहा हूं, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूं तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो फिर इसके बाद हमारा एक वचन कर्ता हुआ, मैं सब्जेक्ट हो गया, फिर बहुवचन कर्ता की बात है, तो बहुवचन कर्ता में बे एक बहुवचन कर्ता को बताता है, तो जब बे है तो बे पतंग उड़ा रहे हैं, इसका मतलब वाक्य के पीछे क्या लिखा हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं से रहे हैं, तो बहुवचन कर्ताओं के साथ हमेशा हम रहे हैं शब्दों को यूज करते हैं, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगा बे की अंग्रेजी दे, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, उड़ाना मुख्य क्रिया है, इसके पीछे रही है, रहा है, रहे हैं लिखा हुआ है, तो इसके पीछे हमने मैन वर्ब में आईएनजी जोड़ दी, और फिर ऑब्जेक्ट है हमारा काइट, तो दे आर फ्लाइंग द
काइट। इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेटा पहचान है। पहचान के बाद उनकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज की जाती है, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है, और ये फॉर्मूला इसको बताता है कि सब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लास्ट में जाके लिखेंगे, फिर ये सेंटेंस बताते हैं। इसके बाद कल आपको इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बताएंगे। थैंक यू।